थाना क्षेत्र में 10 मार्च को ग्राम हटवा निवासी रितेश मौर्य की हत्या व 30 मार्च को गघा डेमूसा मार्ग पर शिव शंभू मौर्य व संजय पांडे की हत्या का एसएसपी दिनेश कुमार पी ने किया सनसनीखेज खुलासा। घटना में शामिल 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बरामद किए 32 बोर का एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर का 2 तमंचा व 5 जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त 1 स्कॉर्पियो व 2 मोटरसाइकिल। प्रधानी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे भाजपा नेता को बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर की हत्या। एडीजी और एसएसपी ने किया घटनास्थल का मौका मुआयना। परिजनों ने 4 नामजद और 3 अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ दिया तहरीर। एसएसपी ने कहा 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ, जल्द होगा घटना का खुलासा। त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन के लिए 3 अप्रैल से शुरू हुआ नामांकन प्रक्रिया। पहले दिन ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 3,770, ग्राम प्रधान पंचायत के लिए 6,790, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 5,709 तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए 593 उम्मीदवारों ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। सुरक्षा के रहे व्यापक प्रबंध। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में संपत्ति विवाद में बड़े भाई ने की अपने छोटे भाई की ईंट पत्थर से कूच कर हत्या। सीओ चौरी चौरा ने कहा फरार अभियुक्तों की होगी जल्द गिरफ्तारी। बड़लगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने 22 वर्षीय युवक को जिंदा जलाकर की हत्या। एसपी साउथ ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा। फर्टिलाइजर स्थित एसएसबी कैंप के काजीरंगा फायरिंग बट में पीएससी के रिक्रूट कांस्टेबलों द्वारा ट्रेनिंग के दौरान की गई फायरिंग में महसरा पुल के समीप मछली बेच रही महिला को लगी गोली, हालत स्थिर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नेटा द्वारा इस वर्ष जेई मेन्स और यूपीसीईटी के सारे पाठ्यक्रमों को किया जाएगा शुरू। 18 मई को आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा। कुलपति ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। गोरखपुर में शनिवार को मिले 87 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 1 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 22,001। अब तक 368 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 421 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। कलेक्ट्रेट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन स्थल का सिटी मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पंचायत चुनाव में भाजपा के द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों के एजेंडे पर बोलते हुए पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा पार्टी के द्वारा किए गए विकास को लेकर जाएंगे जनता के बीच, बनाएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष तथा ब्लॉक प्रमुख। उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधन संघ ने बंद विद्यालय को खोले जाने तथा कर्मचारियों को एक सम्मानित राहत कोष उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को अतिशीघ्र पूरा कराने की मांग। सूत्रीय मांगों को लेकर पटरी व्यवसायी संघ ने अपर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। मांगों को पूरा कराने की मांग। और संत भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्री राम कथा में कथाव्यास श्री राधा कृष्ण जी महाराज ने किया शिव विवाह का वर्णन। भाव विभोर हुए श्रोता।